दोस्तों वेलकम टू बिस्मिल्लाह जायका वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का हलवा। दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियोस इस रेसिपी की यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन सही तरीका इस वीडियो में है, तो कद्दू का हलवा बनाते वक्त इसी रेसिपी को रेफ़र करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इनक्रेज करें। तो सबसे पहले कद्दू को पील करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg कद्दू का इस्तेमाल किया है। कद्दू को छीलने के बाद इसे हम ग्रेट करेंगे। अब हम एक पैन में 100 ग्राम घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें हम ग्रेटेड कद्दू डालेंगे। और उसे अच्छे से चला देंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कद्दू गल ना जाए। हमारा कद्दू बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें 1.5 लीटर गर्मा गर्म मिल्क ऐड करेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक मिल्क ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मिल्क आधे से ज्यादा ड्राई हो चुका है। ये सही वक्त है इसमें शुगर ऐड करने का। तो इसमें 200 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, इसमें काजू पीस के डालेंगे। तो ग्राइंड करके इसे हम ऐड करेंगे कद्दू के हलवे में। अब 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा बाजार में कद्दू का हलवा हरे रंग का ही मिलता है, तो हरा रंग लाने के लिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद इसे हम पोर करेंगे हमारे हलवे में। ये देखिए कितना बढ़िया कलर अब इसमें आया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फ्रेश क्रीम। थोड़े ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे बादाम के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं और इसे मैं ऐड कर रहा हूँ इस हलवे में। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम देसी घी।
बस हमारा कद्दू का हलवा रेडी हो गया। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिस्मिल्लाह ज़ायका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।